भागलपुर पुलिस द्वारा मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भारी मात्रा में हथियार एवं कारतूस बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार और हथियार तैयार करने वाले मशीन, कल पुर्जे और औजारों को बरामद कर रही है। लगातार इस पर छापामारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद कर तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसी दौरान आज वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर सत्यापन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द मोहल्ले के राजा बाबू, निखिल रंजन एवं मणिकांत चौधरी के घर छापामारी की। इन तीनों के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये तीनों आरोपी हथियार तस्करी का काम करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में राजा बाबू, निखिल रंजन, मणिकांत चौधरी से अभी भी पूछताछ जारी है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई, कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ, तो ये पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं। और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं, और सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर राकेश, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय, कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु और रजनीश, इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, और एक निखिल रंजन है जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है, और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार, विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं, जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन है, और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है। और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था, और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो मैं पिछले एक सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पिछले एक सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।